आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। देसी दस्तरखान विद मुन्ना ज़मी में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है चिकन ब्रोस्ट। क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट होम मेड में आपको बना के दिखाऊंगी और मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाऊंगी जिस तरह मैं अपने लिए घर में बनाती हूँ। तो चलिए हम अपने पहले स्टेप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती चलूँ। इसके लिए मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा मैंने 3 अदद जो है वो तेज़पात लिए थे, इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ली है शुगर और 2 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने ली है टार्टरी। इसके अलावा मैंने 3 टेबलस्पून वाइट विनीगर लिया है यानी सफ़ेद सिरका, और पानी हम लेंगे हसब ज़रूरत। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लिए। मेरी रेसिपी 3 स्टेप्स में कम्प्लीट होगी, तो पहले स्टेप का मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब, तो देखिए ये मैंने वाटर ऐड कर दिया है अपने बाउल के अंदर। अब ये मैंने हसब ज़रूरत डाला है इसके अंदर। अब मैं अपनी तमाम ये बकाया अशिया जो है ये डाल रही हूँ तमाम। ये देखिए मैंने प्याज भी डाली और ये तेज़पात जो है ये भी, चीनी और टाटी वगैरह तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये इसलिए हैं कि हम चिकन जो है वो अपनी इसके अंदर डालेंगे और चिकन में से तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ब्रोस्ट का। और इसके अलावा चिकन साफ़ हो जाएगी, जो अंदर ब्लड होता है या छिछड़े वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो सब की उनकी सफाई हो जाएगी इसके साथ। तो ये देखिए हो गया, ये डिप सारा और मिक्स भी हो गया। और चिकन जो है वो मैंने ली थी 2 kg मैंने चिकन ली थी, इसके अंदर मैंने ब्रेस्ट पीसेस भी लिए थे। ये देखिए कुछ मैंने पीसेस जो हैं वो स्किन के समेत रखे हैं, यानी विद स्किन में आपको बताऊँगी ये रेसिपी, और कुछ पीसेस जो हैं वो मैंने विदाउट स्किन लिए हैं, और इसको इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था खुद ही, और अच्छी तरह से मैंने इसकी सफाई कर ली हुई है। बस अब हम इसको डिप करके तो कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से ये रच बस जाए सारा पानी और ये मसाला जाए, तो इससे इसमें से सारी इसकी स्मेल और सारी जो भी सफाई होने वाली वो हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने डिप करके रखी हुई थी। मैंने इसको फ्रिज में रखा था, हाफ आवर हो चुका है हमें इसको डिप किए हुए, और माशाल्लाह ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें से जो इसकी स्मेल वगैरह, या ये आप पानी देख सकते हैं, ये देखें पानी का की रंगत भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे, और हमने बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना क्योंकि हमने पहले भी इसको धो के ही किया था डिप इस पानी के अंदर ना। तो अब हम इसको धोते हैं, धोने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। जी जनाब, तो देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है वॉश करने के बाद। इसको ज़्यादा वॉश नहीं हमने करना, और अब मैं इसको इस किचन टॉवल के साथ, ये देखिए मैं लगी हूँ करने, ये हमारे जो हैं पेपर्स हैं इनके साथ मैं कर रही हूँ। ये देखें इस तरह हम ना इसको अच्छी तरह से प्रेस करके और अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आपके पास अगर किचन रोल घर में नहीं है, किचन टॉवल भी हम इसे कहते हैं, ये नहीं है तो आप परेशान नहीं होना। आप मार्बल का कोई भी कपड़ा लेकर उसके साथ इसको अच्छी तरह से दबा के सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए, ये मैंने दूध 1 कप लिया है, अभी मैं सारा नहीं डालूंगी इसमें, मैं देखूंगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं और डाल लूँगी। इसके अलावा मैंने 3 अदद अंडे लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि आपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सारा बैटर वगैरह जो है सारे मसाला जात लेने हैं। ये देखिए जी, ये मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर। तो ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा मैंने 2 पिंच यानी ये 2 चुटकी समझ लें कि मैंने ये फूड कलर लिया है जर्दा रंग, जो कि हम, आप अगर घर में अवेलेबल नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसके अंदर अपना हल्दी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 अदद लेमन लिए थे मैंने, उनका जूस निकाल लिया था। ये मेरा तकरीबन बन गया 2 टेबल स्पून। तो अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी चिकन को मैरिनेट कर देंगे। जी जनाब, तो देखें माशाल्लाह से हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ये तमाम अपनी चिकन जो है ये मिक्स करनी है इस तरह से। ये देखिए हम इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेशन इसकी करके, तो हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें हमारी चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, 2 से 2.5 घंटे इसको हो चुके हैं, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और अब हम इसकी कोटिंग का जो काम है वो शुरू करेंगे। इसके लिए ये मिक्सचर मैंने लिया है, 2
दो जो हैं कप जो हैं ये मैंने लिए, इसके 2 कप मैदा लिया, और इसके अलावा हाफ कप जो है वो मैंने इस मेजरमेंट के हिसाब से कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने लिया कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही मैंने सूखी मिर्च पाउडर लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर काला मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, और इसके अलावा 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैं अपने मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से मिक्सर के अंदर इसको कोटिंग कर रही हूँ उसकी। आपने हल्का हल्का सा इसको इस तरह प्रेस भी करते जाना है साथ साथ, और इसके अलावा एक टिप और शेयर करती चलूँ कि मैंने चिल्ड पानी लिया है, इसी पानी के अंदर हम इसकी अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद अपने चिकन की इसके अंदर हम इसको जस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए इस तरह रखेंगे। ये हो गया डिप 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना। अब इसके बाद हम इसे निकालेंगे इस तरह से निकाल के हम इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, हमने ये जो है प्रोसीजर दोबारा नहीं करना, बस एक ही दफ़ा करना है, क्योंकि अगर हम बार बार करेंगे तो लेयर बहुत मोटी बनेगी, और जो ऊपर से लेयर है वो फिर ये जो हमारा बैटर है इसकी टूटनी शुरू हो जाएगी लेयर जो है ना कढ़ाई के अंदर ही। लीजिए माशाल्लाह से ये इस तरह से हम अब इसकी कोटिंग करके रखते जाएंगे। ऑयल मैंने हीटअप होने के लिए कढ़ाई में डालकर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। जी जनाब, तो ये देखें माशाल्लाह मैं इसी तरह इनको करती जा रही हूँ मरहला बार, और ये देखिए इस तरह ना ज़रा सी इस तरह आपने इसको करना है ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा वगैरह हो वो झड़ जाए, और माशाल्लाह से ये इस तरह इसकी क्रिस्पी बहुत अच्छी बनेगी और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। जी जनाब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारी चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरह फ्राई करना है। रहीम जी, मैंने फ्लेम पहले से ही ऑन कर लिया हुआ था, मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि मैंने ऑन कर लिया था फ्लेम। ये देखिए जी माशाल्लाह मैं साथ साथ चिकन डालती जा रही हूँ, और हम इसको जब एक साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हमने साइड चेंज करनी है। और व्यूअर्स, मैं एक बात और आपके साथ शेयर करती हूँ चलूँ कि हमने हीट का लाजमी ख्याल रखना है, ना हीट बहुत ज़्यादा हो कि हमारी चिकन जल जाए, और ना ही हीट बहुत कम हो, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डालनी क्योंकि फिर हीट का फर्क पड़ जाता है। जितनी इजीली फ्राई होती है आप प्लीज़ उतनी ही डालिएगा। जनाब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मैंने आप इसकी साइड चेंज की है, गोल्डन ब्राउन हमारा ये कलर हो चुका है। मैं आपको अभी माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी भी दिखाती हूँ। तमाम ब्रोस्ट हमारा जो है बड़े अच्छे से तैयार हो रहा है जी। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ब्राउन कलर आ रहा है और गोल्डन ब्राउन, और अभी ये डीप फ्राई होगा, साइड हमने अभी इसकी चेंज कर दी है। ये जनाब, तो माशाल्लाह देखें हमारे जो जो ब्रोस्ट के पीसेस तैयार होते जा रहे हैं मैं उन्हें निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह रिमूव कर रही हूँ मैं उनको ऑयल में से, और ये देखिए माशाल्लाह से ये भी हमारी मैं चेक करती जा रही हूँ साथ साथ, जो जो हमारा तैयार है उसको हम निकालते जा रहे हैं। ये भी माशाल्लाह से तैयार है जी। जी जनाब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारा चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल तैयार है, होममेड चिकन ब्रोस्ट जो बिल्कुल मैंने अपनी रेसिपी से बनाया, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ जनाब माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा जूसी और ज़बरदस्त बना हुआ क्रंची ब्रोस्ट तैयार है, और ये बहुत गर्म है इस लिहाजा मैं इसको रख रही हूँ। और ये हमारे मैंने बनाई है जी ये गार्लिक मायो सॉस जो है, इसमें मैंने 5 टेबल स्पून दही लिया था, और 2 टेबल स्पून मैंने ली थी मायोनीज, और इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून लिया था गार्लिक पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया था लेमन। तो इनको मैंने मिक्स करके बना लिया, और ये सॉस बहुत अच्छी तैयार होती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और इसके अलावा दूसरी सॉस जो है वो मायोनीज और कैचअप डाल के मैंने बनाई है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके अलावा आप इस ब्रोस्ट को कैचअप के साथ भी, सिर्फ कैचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। और मुझे ज़रूर व्यूअर्स अपना फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।